आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें फरीदाबाद के 3 नंबर इलाके की हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यहां सरकार को करोड़ों की बिजली चोरी कर चूना लगाया जा रहा था। बता दें कि सीएम फ्लाइंग को जानकारी मिली थी कि 3 नंबर इलाके में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी का गोरख धंधा चल रहा है, जिसके बाद एक टीम बनाकर छापेमार कार्रवाई की गई, तो फिर जो सामने आया उसे देखकर एक बार सीएम फ्लाइंग की टीम के भी होश उड़ गए। देखिए, हमें एक सूचना मिली थी कि एसजीएम नगर ए ब्लॉक में गली नंबर 11 में कुछ व्यक्तियों द्वारा भारी मात्रा में बिजली चोरी कराई की जा रही है। हमने बिजली विभाग के अपने एसडीओ और अपने विजिलेंस के जो बिजली विभाग के विजिलेंस हैं उनके एसडीओ साहिबान से संपर्क किया, उनको साथ लेके यहाँ पे चेकिंग कराई। चेकिंग पे पता चला कि यहाँ पर 3 लोगों द्वारा जो एक ही परिवार के सदस्य हैं, आस मोहम्मद, श्रीमती सायरा और असगर, इनके द्वारा यहाँ पे 9 व 10 किलोवाट के ही बिजली मीटर लगवाए हैं, लेकिन इनके द्वारा 1 मीटर पर करीब 35 किलोवाट, दूसरे पर करीब 30 किलोवाट और तीसरे मीटर पर करीब 64 किलोवाट बिजली प्रयोग की जा रही है। तीनों ही बिजली मीटर जो है ना एसडीओ साहब द्वारा जब चेक किए गए तो बंद मिले हैं। इसके संबंध में एसडीओ साहब ने जो बिजली विभाग की कार्रवाई है, LL1 फार्म होता है, लाइन लॉस फार्म नंबर 1, वो भरा है, उसके अतिरिक्त उनके द्वारा विधि अनुसार कार्रवाई आगे की जाएगी। दरअसल यहाँ कई आटा चक्की थी जो बड़े पैमाने पर बिजली चोरी का काम कर रही थी। इनकी बिजली चोरी करने का तरीका भी अलग था। इन्होंने 10 किलो वाट का लोड दिखाकर कनेक्शन लिए हुए थे और जबकि लोड कई गुना ज्यादा था। उस पर भी खास बात ये कि मीटर खराब पड़े हुए थे, जिसके चलते एवरेज का बिल आ रहा था जो मुश्किल से 6 से 9 हजार के आसपास होता था। शाम को जैसे ही एससी साहब ने मेरे को रिपोर्ट किया, कल आपने सीएम फ्लाइंग के पास जाना है और वहाँ से कोई गुप्त सूचना है जिसकी आपने चेकिंग कर दी। मैं रिपोर्ट किया गया और सवेरे अपना टाइम अनुसार जैसे बुलाया सीएम फ्लाइंग के साथ में यहाँ मौके पर पहुँचा। अभी हालात आपने क्या देखे हैं? मौके पर देखा जो कनेक्शन एचटी कैटेगरी में आता है और उसको 10 किलोवाट का लोड देकर ना एक कनेक्शन यूज कर रहे हैं, जिसका बिल कम से कम 35 और 40 हजार रुपये कम से कम बिल आना चाहिए, उसका मात्र 2-3 हजार में काम चल रहा है, तो आप समझ सकते हो कि बिजली चोरी कितनी हो रही है। बाकी इसके हमने LL1 भर दी गई है, मीटर है वो लैब के लिए रेफर कर दिए गए हैं, जैसा ही उनकी रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से वो कैलकुलेशन की जाएगी और जैसे लोड के हिसाब से इनकी कैलकुलेशन है जो कि लाखों में बनती है, असलियत तो उसकी जब आएगी जब कैलकुलेशन पूरी हो जाएगी। लेकिन ये बड़ा घोटाला चला, बहुत ज़्यादा बड़ा घोटाला कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि एक 10 किलोवाट का लोड जहाँ 64 किलोवाट का लोड चल रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 8 गुना जब बिजली यूज होती है तो कितनी बिजली की चोरी हो रही है। बिजली मीटर खराब थे, बिजली मीटर बार बार खराब दिखाए जा रहे थे, खराब होते जा रहे थे। मैं ये बात का भी दावा कर सकता हूँ, आज जो मीटर लगाए हमने उतार करना, वो भी मैं नहीं सोच सकता कि वो ज्यादा दिन चल पाएंगे, क्योंकि इतना लोड कैपेसिटी के हिसाब से नहीं उठ पाएंगे वो। बहरहाल करोड़ों की बिजली चोरी पकड़े जाने के बाद नुकसान का आकलन करने में जुटी है और आकलन के बाद जो जुर्माना लगाया जाएगा अगर आरोपी उसे नहीं भर पाता है तो बिजली कनेक्शन काट आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।